प्यारे विद्यार्थियों, मैं ध्रुव प्रसाद शर्मा आपका बायोलॉजी की क्लास में स्वागत करता हूं। और 10th एनसीईआरटी का जो टॉपिक लेके चल रहे हैं, आज हम लेके चलते हैं पोषण। पोषण मतलब न्यूट्रिशन। देखो, न्यूट्रिशन क्यों आवश्यक है, हम पोषण का मीनिंग क्या लेते हैं? हम जो भी भोजन लेते हैं वो न्यूट्रिशन है, जो भी हम कुछ खाएंगे, पर वो खाते क्यों हैं? एनर्जी के लिए। जब भी न्यूट्रिशन क्या है, कोई भी पदार्थ सब्सटेंस जिसे हम लेते हैं, और इस सब्सटेंस से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा, एनर्जी। तो एनर्जी जो हम ले रहे हैं वो हम किस तरह से लेते हैं? हम बात करें, हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन दियर फूड, ये एक टॉपिक दे रखा है। सजीव या जीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, हम इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। एक बार समझना क्या है। देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, सजीव जो हैं, हमारे दिमाग में पहले से क्लियर है लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, सजीव क्या है। अब ये पोषण कैसे ले सकता है? पोषण या न्यूट्रिशन दो मेथड से, सुनिएगा। ये जो पोषण लेगा, उसका पोषण लेने के तरीके कितने हैं, मेथड कितने हैं? दो। पहला स्वपोषी और दूसरा विषम पोषी। इस स्वपोषी को हम ऑटो ट्रॉप्स कहते हैं, और विषम पोषी को हम हेटरो ट्रॉप्स कहते हैं। समझिएगा क्या है। देखो, जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट्स पादप, वो किसका एग्जाम्पल हैं? आपके स्वपोषी। जबकि जंतु या कवक, एनिमल और फंगाई, ये जो हैं ये क्या कहलाते हैं? विषम पोषी। तो हमें जो बात करनी है, एग्जाम्पल की बात नहीं करनी, हमें इस प्रोसेस में ये बात करना है, पोषण दो तरीके से ले सकते हैं। उस आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है, दे आर डिवाइडेड ऑन टू पार्ट्स, पहला ऑटोट्रॉप्स और दूसरा हेटरो या विषम पोषी। इनका मीनिंग समझो। ऑटो सेल्फ ट्रॉप्स पोषण मतलब जो पादप हैं वो प्रकाश और गैस, प्रकाश मतलब लाइट और गैस कौन सी? CO2, इनके द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं। दे मेड डियर फूड, दे सेल्फ मेड, ऐसा कर लो एक शब्द और जोड़ लो, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब इस स्वयं बनाने में क्या करते हैं, सुनना। इनके अंदर एक लवक, लवक मतलब प्लास्टिड, प्लास्टिड उपस्थित होता है, जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरो फिल प्रेजेंट होता है। दोबारा समझना, जितने भी पेड़ हैं वो हरे होते हैं, उनकी पत्तियां देखा होगा आपने, हरी होती है, और वो पत्तियां सूर्य के प्रकाश में, सनलाइट में आपके फूड का फॉर्मेशन करती है। तो पत्तियों में ऐसा है क्या? पत्तियों में बेसिकली लवक पाया जाता है, प्लास्टिड,
और प्लास्टिड का वन टाइप है, एक प्रकार है क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड का टाइप क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इसके कारण आपकी पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। और क्लोरोप्लास्ट में एक सब्सटेंस मिलता है क्लोरोफिल। ये बेसिकली आपके सात प्रकार का होता है, हायर एजुकेशन जब पढ़ोगे तब बताया जाएगा। क्लोरोफिल ए बी सी डी ई, और बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडिन। ये तुम्हारे टेंथ लेवल में नहीं है, पर आप ध्यान दें, आप समझें इस चीज को, मैं कहां कोरिलेट कर रहा हूं। आपके जितने भी प्लांट्स हैं दे हैव यूनिक ऑर्गेनल्स जिसका नाम क्या है? प्लास्टिड। और उस प्लास्टिड का टाइप क्या है? क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, और ये क्लोरोफिल सनलाइट और CO2 की प्रेजेंस में फूड बनाता है। कैसे बनाता है? 6 CO2 प्लस 12 H2O, ये दोनों आपके सब्सटेंस जुड़ करके रिएक्शन बनाते हैं C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये देखिए, मैं चाहता तो रिएक्शन को लंबा लिखता, पर इधर क्लोरोफिल लिखा हुआ था इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। यहां सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश सनलाइट आवश्यक है, एसेंशियल है। और दूसरा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। अब CO2 के कितने मॉलिक्यूल? 6 मॉलिक्यूल, वाटर के 12 मॉलिक्यूल, ये रिएक्शन करते हैं इन दोनों की प्रेजेंस में। और ये C6H12O6 ये क्या है? ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, और खुद कर रहे हैं। इसलिए इन एनिमल्स को, इन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रोप्स मेरी तरफ से कंप्लीट क्लियर हुआ? एक बार दोबारा समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ऑटोट्रोप्स विच आर एनिमल, दे मेड दियर फूड्स सेल्फ, वो जो खुद का भोजन खुद बनाते हैं, दे सेल्फ मेड दियर फूड, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको ऑटोट्रोप्स कहते हैं। और ऑटोट्रोप्स का एग्जाम्पल क्या है? प्लांट्स। अब ऑटोट्रॉप्स की जब बात करी जाए तो उनके अंदर रिएक्शन क्या होती है? 6CO2 12H2O = C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। तो देखो, इसमें जो 6O2 है ये बाई प्रोडक्ट है, उप उत्पाद है। यहां 6O2 जो मिला वो बाई प्रोडक्ट या उप उत्पाद है, जो हमारे लिए एसेंशियल है, हम ऑक्सीजन काम में लेते हैं, ठीक है। ये जो C6H12O6 है ये कार्बोहाइड्रेट है। अब इस कार्बोहाइड्रेट से एनिमल क्या लेगा? एनर्जी, ऊर्जा लेगा। परंतु अगर ये स्टोरेज फॉर्म में जाए तो ये किस फॉर्म में जाएगी? स्टार्च। अगर ज्यादा बन जाए और पादप उसे इकट्ठा रखे तो वो किस फॉर्म में स्टोरेज होगी? स्टार्च। ये किस, कौन सी फॉर्म है? स्टोरेज फूड। स्टोरेज फूड की जो अवस्था होगी वो अवस्था क्या कहलाएगी? स्टार्च, जिसे हिंदी में मंड भी कह देते हैं। तो देखो, इस रिएक्शन में दो चीज और थी, 6O2 जो मिला वो बाई प्रोडक्ट है, उप उत्पाद है। C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट है जो एनर्जी देगा। अब सुनना, जो CO2 है उसका क्या होता है? रिडक्शन। उसका क्या होता है? रिडक्शन, अपचयन हो रहा है। 10th NCERT की बात करें तो वहां ये बता रखा है। जबकि H2O का जो है वो क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। ये क्या है? ये हायर एग्जाम में भी पूछा जाता है अक्सर करके, कि जो आपके प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है
उस प्रोसेस में किसका अपचयन और किसका ऑक्सीकरण, रिडक्शन किसका होता है, ऑक्सीडेशन किसका होता है। देखो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आपका केमिस्ट्री से संबंधित एक टॉपिक है, जिसे मैं जो चैप्टर होगा केमिस्ट्री का वहां ज्यादा क्लियर करूंगा, पर यहां छोटा सा बताता हूं। अगर हाइड्रोजन जुड़े, हाइड्रोजन का जुड़ना वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, अपचयन, जबकि ऑक्सीजन का जुड़ना, जुड़ना मतलब अटैचमेंट, जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। तो आपके रिडक्शन अपचयन किसका होगा, CO2 का, क्योंकि CO2 किस फॉर्म में चला जाता है, C6H12O6, H12 आ गया, यहां हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल आ गए, तो हाइड्रोजन जुड़ा, हाइड्रोजन अटैच हुआ, इसलिए CO2 का तो क्या होगा, अपचयन। और H2O से ऑक्सीजन निकल के आगे हट गई, तो हाइड्रोजन तो यहां से हट गया, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ये मेरा ऑटोट्रॉप्स इस वीडियो में कंप्लीट है। हेटरोट्रॉप्स जो एनिमल हैं उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियरिफाई कर पाऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको एक सीक्वेंस में वीडियो मिलते जाए। धन्यवाद।